हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पे, वो खून वो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। काशी कल बहुत गूंज रही थी हर हर महादेव के जयकारों से, और ज्ञानवापी मस्जिद केस में देवी श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा का अधिकार दिए जाने संबंधी याचिका को वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, और इसके साथ ही मुस्लिम पक्षकारों की ओर से केस की सुनवाई पर बहस के दौरान 3 एक्ट को आधार बनाया गया है। इसके आधार पे हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1985 और सबसे इम्पॉर्टेंट काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 एक्ट, ये 3 एक्ट शामिल थे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट की चर्चा काफ़ी हो चुकी है। राम मंदिर आंदोलन के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संसद से पास किया गया। इसमें देश में मौजूदा धार्मिक ढांचों का 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति में बदलाव नहीं किए जाने की बात की गई। हालांकि जिस समय बाबरी मंदिर में ये बाबरी मस्जिद का मसला उठा तब इस मामले को अपवाद माना गया। हाल वहीं पे वक्फ एक्ट 1985 के तहत मुस्लिम धर्म की संपत्ति पे कोई भी दावा दूसरे धर्म के लोग नहीं कर सकते। इन दोनों एक्ट के अलावा काशी विश्वनाथ एक्ट के का सहारा भी मुस्लिम पक्षकारों ने लिया। इस एक्ट में बहुत साफ कहा गया है कि काशी विश्वनाथ कमेटी में केवल हिंदू ही कार्यवाहक होंगे, ऐसे में मुस्लिम धर्म स्थल पे दावा किस आधार पे किया जा रहा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की तीनों एक्ट की जो उनकी डेफिनेशन थी, जो व्याख्या थी, उसको नहीं माना और हिंदू पक्षकारों की ओर से माता श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा संबंधित जो याचिका थी उसको सुनवाई के लिए स्वीकृत कर दिया। सच में कल काशी में इतनी खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे कि उन्हें लग रहा था कि बस अभी वो वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो लड़ाई है ये आज कल 1 साल 2 साल में निपटने वाली नहीं है, ये एक लंबा खींचने वाला मामला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ कि क्या है काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, क्योंकि इसको जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2001 के तहत 13 अक्टूबर 1983 को काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट को लागू किया गया था, और यूपी विधानसभा विधानमंडल की ओर से इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रभावी किया गया था। ये वर्ष 1983 के एक्ट संख्या 29 के रूप में भी जाना जाता है। इस एक्ट के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके विन्यास के सारे जो बेहतर प्रशासन की व्यवस्था है, उसकी देखरेख की जो व्यवस्था है उसको डिफाइन किया गया है। साथ ही मंदिर से जुड़े हुए अनुषांगिक विषयों की व्याख्या की गई है, और इस अधिनियम में 13 जनवरी 1984, 5 दिसंबर 1986, 2 फरवरी 1987, 6 अक्टूबर 1979, 16 अगस्त 1957, 13 मार्च 2003 और 28 मार्च 2013 को भी संशोधन हुए हैं। मैं आपसे ये पूरी बात डिटेल में इसलिए कर रही हूँ कि आप पूरी तरह से इस पूरे मैटर को समझ लीजिए। अधिनियम के प्रभाव की विस्तार से व्याख्या की गई है और एक्ट की धारा या उपधारा में निर्धारित जो एक प्रोसेस है उसी के तहत बदलाव और संशोधन किया जा सकता है। इस एक्ट का प्रभाव किसी अन्य नियम, कोई प्रथा या रूढ़ी या मतलब कोई भी सिस्टम के प्रभावी होने के बाद भी बना रहेगा। किसी कोर्ट के निर्णय
डिग्री या आदेश या फिर किसी कोर्ट की ओर से निश्चित की गई किसी योजना में मंदिर से संबंधित कोई बात होने के बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट प्रभावी रहेगा। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, डीड या डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद भी इस एक्ट को प्रभावित नहीं किए जाने की बात कही गई है इस एक्ट में। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलील में एक्ट की धारा 3 का जिक्र किया गया है। इसमें बहुत साफ है कि एक्ट के अंतर्गत कार्य करने वाले हिंदू होंगे। चूंकि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि देवी श्रृंगार गौरी की प्रतिमा का दावा ज्ञानवापी परिसर में किया जा रहा है, ऐसे में इस पर हिंदू पक्ष किस प्रकार से दावा कर सकता है, एक्ट की धारा 3 में बहुत साफ साफ कहा गया है कि न्यास परिषद कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मंदिर के कर्मचारी का हिंदू होना जरूरी है। अगर अगर कोई व्यक्ति हिंदू ना रहे यानी कि धर्म परिवर्तन कर ले तो उसे उसके प्रोफाइल से उसके पद से हटा दिया जाएगा। एक और बात, एक्ट की धारा 5 में मंदिर की संपत्ति का भी जिक्र किया है। इसमें मंदिर की पूजा पाठ सेवा कर्मकांड समारोह और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर के फीस या दान का जिक्र भी किया गया है, मतलब काफी विस्तार से इसको बताया गया है। साथ ही मंदिर में प्रतिष्ठित देवी देवताओं की प्रतिमा, मंदिर परिसर, मंदिर सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति की ओर से किए जाने वाले दान पर एक्ट के तहत मंदिर प्रबंधन का अधिकार होने की बात कही गई है। अच्छा, एक और बात, देवी श्रृंगार की पूजा के लिए वर्ष 1993 में साल में 2 बार इसे खोला जा रहा है, ये भी बात है। और एक्ट के तहत मंदिर की संपत्ति पर न्यास परिषद को संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। एक्ट की धारा 13 की उपधारा 1 में बहुत साफ तरीके से ये कहा गया है कि मंदिर और उसके विन्यास, मंदिर के तहत आने वाली चल और अचल प्रॉपर्टी जैसे मूल्यवान वस्तु, आभूषण या दस्तावेज, जहाँ कोई अभिलेख हो या फिर और कोई भौतिक पदार्थ पर न्याय परिषद का अधिकार रहेगा। न्यास परिषद मंदिर के तहत आने वाली अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कब्जे में लेने के और रखने की हकदार होगी। अब मैं आती हूँ कि मंदिर संपत्ति पर कुछ फाइन का भी, कुछ दंड का भी प्रावधान है। मंदिर की संपत्ति को लेकर के एक्ट की धारा 13 की उपधारा 2 में विशेष रूप से ये जानकारी दी गई है। एक्ट के अध्याय 6 की धारा 34 में बहुत साफ किया है कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा, अदरवाइज उसके खिलाफ दंड का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत न्यास परिषद या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से या प्राधिकार के अधीन कब्जा लिए जाने में कोई प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसी कार्रवाई करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में 1 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अच्छा, ज्ञानवापी केस में जब मुस्लिम पक्षकारों की ओर से अपनी दलीलें काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट का जिक्र किया गया उसमें, तो हिंदू पक्ष की ओर से इस पे आवाज उठने लगी और वाराणसी कोर्ट के वकीलों का ये कहना है कि एक्ट को ही आधार माने और साक्ष्यों को देखें और ज्ञानवापी परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर के दायरे में आता है। वजू खाने में शिवलिंग और माता श्रृंगार गौरी इसका उदाहरण है। एक्ट की धारा 13 की उपधारा 2 के तहत इस संपत्ति को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO के समक्ष पक्ष पेश कर देना चाहिए। मंदिर परिसर में देवी श्रृंगार की पूजा के अधिकार के मामले में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने 2 और एक्ट की भी चर्चा की थी, उस पर भी हम बात किए लेते हैं। पहला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जब राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में विवाद चल रहा था, मतलब काफी चर्चा हो रही थी, उस समय इस एक्ट की जरूरत दिखी। तत्कालीन PM PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार की ओर से देश की संसद में इस एक्ट को पेश किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है
कि 15 अगस्त 1947 से पहले के एग्जिस्ट होने वाले किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको नहीं बदला जा सकता। राम मंदिर आंदोलन काल में कई पूजा स्थलों के रूप और स्वरूप को बदलने की कोशिश हुई थी, ऐसे में इस कानून की मदद से उस पर काबू पाया गया। एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया और ये भी इसमें एक क्लॉज लगाई कि अगर कोई इसके उल्लंघन का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। इस कानून के सब डिवीज़न भी हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के दशकों से मुस्लिम समुदाय वहाँ नमाज पढ़ रहा है, इसलिए ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन होगा। अब मैं आती हूँ वक्फ बोर्ड एक्ट पे जो 1985 का है। वक्फ बोर्ड एक्ट के आधार पे मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज से हिंदू महिलाओं की अपील खारिज करने की मांग की थी। इस कानून में ये कहा गया था कि मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस स्थिति में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग सेंट्रल वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड लखनऊ ही कर सकता है, यानी कि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद परिसर को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए दलील दी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ये कहना था कि इस मामले की सुनवाई ही नहीं हो सकती, उनका कहना था कि ये वक्फ बोर्ड का मामला है। इस पर वाराणसी जिला जज ने कहा कि याचिका दायर करने वाली मुस्लिम महिलाएं नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि माँ श्रृंगार गौरी स्थल में पूजा अर्चना करने का अधिकार वक्फ बोर्ड कानून में कवर नहीं होता है। इस आधार पे कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। तो आपने देखा कि किन किन दलीलों को कोर्ट ने सुना, कितना इस पे स्टडी किया गया और कितना इस पे किस किस तरीके से हर एक्ट को कोर्ट ने माइंडसेट में रखा। उसके बाद इस ये जो अपील थी महिलाओं के द्वारा की गई, इसको कोर्ट ने ये बताया कि हाँ ये सुनने योग्य है, कोर्ट की सुनवाई के लिए इसे स्वीकार किया गया। साथ ही मुस्लिम पक्षकारों की ओर से केस की सुनवाई पर बहस के दौरान 3 एक्ट को भी आधार माना गया। तो बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, देन उसके बाद आप लाइक का बटन दबाइए। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जानकारी परक वीडियो है, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।